नमस्कार दोस्तों, रेखा दास चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ आलू परवल से बने बहुत ही टेस्टी एक रेसिपी शेयर करूंगी, जो आपके 10 मिनट के अंदर बनके तैयार भी हो जाएगा और रोटी पराठे चावल किसी के साथ भी खाएंगे आपको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो आज की रेसिपी के लिए लिया मैंने यहाँ पे एक पाव परवल। परवल को इस तरीके से मैंने लंबाई में काट लिया है। साथ ही मैंने लिया यहाँ पे दो बड़े साइज के आलू, और आलू को पील करने के बाद मैंने ऐसे लंबाई में काट लिया है। आलू कम ज़्यादा भी आप यहाँ पे कर सकते हो, अगर पसंद ना हो ज़्यादा आलू तो तब आप कम कर लीजिएगा। तो परवल को इस तरीके से मैंने थोड़ा थोड़ा स्किन छोड़ के पील कर लिया था। ऊपर नीचे का थोड़ा सा काट देंगे और इस तरीके से हम बीज में से चीरा लगा लेंगे। और देखिए, एक तरफ हम इस तरीके से लंबाई में काट लेंगे, मतलब एक परवल को हम 6 टुकड़ों में यहाँ पे काट लेंगे। परवल भी आप अपने जरूरत के हिसाब से कम या ज़्यादा कर लीजिएगा। तो चलिए, सभी परवल को मैंने इसी तरीके से काट के रखा है, तो बाकी जो मसाला लगेगा मैं बनाते टाइम बता दूंगी। सबसे पहले पैन में हम ले लेंगे 3 चम्मच तेल। तेल जैसी गर्म हो जाए हम डाल देंगे सबसे पहले आलू। आलू को 4 से 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, जब तक आलू हमारा 50% सॉफ्ट ना हो जाए। तो बीच बीच में चलाते हुए हमें फ्राई करना है। 4 से 5 मिनट के लिए मैंने आलू को मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। आलू का कलर जैसे चेंज हो जाए हम निकाल लेंगे। अब हम इसी तेल में डालेंगे 1 चम्मच साबुत जीरा। जीरा को हम पहले फ्राई कर लेंगे। जीरा जैसे ही फ्राई हो जाए हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के प्याज को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के, और साथ ही हम डाल देंगे यहाँ पे हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पे 3 हरी मिर्च को बीज में से चीरा लगा के डाल दिया है। तीखा कम ज़्यादा आप कर लीजिएगा। प्याज को बस 1 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। 1 मिनट प्याज को फ्राई कर लिया है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे परवल, साथ ही हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और डालेंगे हम 1/4 चम्मच हल्दी। अच्छे से हम मिक्स करेंगे। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे करके हम ढक के फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। तब तक परवल हमारा फ्राई भी हो जाएगा और हल्का सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन बीच बीच में खोल के आप 2 से 3 बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। तो देखिए, अच्छे से मिला दिया है। पैन को कवर कर देंगे 4-5 मिनट के लिए। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रखेंगे। 4 से 5 मिनट हो गए प्याज और परवल को फ्राई करते हुए। परवल हमारा फ्राई हो चुका है। अब हम डाल देंगे यहाँ पे फ्राई किए हुए आलू, साथ ही हम डालेंगे 1 चम्मच कश्मीरी रेड चिल्ली पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच हम डालेंगे आमचूर पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला। अच्छे से हम मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के ढक के हम फ्राई करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक परवल आलू हमारा अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए, लेकिन बीच बीच में खोल के हम बार बार स्पैचुला से चलाते भी रहेंगे ताकि आलू परवल हमारे कढ़ाई में ना जले। और देखिए, आलू हमारा पहले से ही सॉफ्ट हो चुका है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया है। गैस का फ्लेम बिल्कुल लो पे रख के ढक के फ्राई करेंगे 4-5 मिनट, और बीच बीच में खोल के आप बार बार स्पैचुला से चला भी लीजिएगा। 4 से 5 मिनट हो गए, हमारा आलू परवल बनके तैयार है। लास्ट में हम डालेंगे थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया। बस हम मिक्स करके गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, और जितना ये आपको देखने में टेस्टी लग रहा है, खाने में भी उतना ही ज़्यादा आपको टेस्टी लगेगा। और आपने देखा कितना कम मसाले में हमारा यहाँ पे तैयार हो गया है, और बहुत ही जल्दी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसे बनाने में, बस 10 से 12 मिनट ही लगेगा। तो देखिए, धनिया पत्ते डाल के अच्छे से मिला दिया है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे और टेस्टी आलू परवल फ्राई को हम सर्व कर लेंगे 1 प्लेट में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी कैसा लगा बनाने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी खाने के बाद थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो नई रेसिपी के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा
और चेहरे पे हमेशा स्माइल रखिएगा।